आज का हमारा लेक्चर है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ अबाउट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आउटकम होगा इसको करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एबल टू एक्सप्लेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी। अप्लाई कर सकते हैं आप इसको, है ना, इसके एप्लीकेशंस कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट और इनके बीच में रिलेशंस, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के डिफरेंट रिलेशंस किए हैं। ठीक है, तो टुडेज लेक्चर इज ऑन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही करेंगे। ठीक है, तो पहले जो बेसिक डेफिनेशन अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। इफ द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इज मेड विद प्रिसिशन ऑफ डेल्टा एक्स एंड साइमेंटेनियस मेजरमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज मेड विद प्रिसिशन ऑफ डेल्टा पी, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू अनसर्टेनिटी कैन नेवर बी लेस देन एच अपॉन टू पाई और एच क्रॉस। एच अपॉन टू पाई को हम एच क्रॉस भी लिखते हैं, हेजनबर्गियन प्रिंसिपल दिया था। एक छोटी सी वीडियो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वेव पैकेट या क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फिर जो हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो दिखाती हूँ। We will take an example to understand uncertainty principle. Let there be a blindfolded person in a room searching for a ball whose velocity he has been told but not the position. He will come to know the position of the ball when the ball collides with him. But at this point of time, the velocity of the ball would have changed due to the collision. This is precisely what Heisenberg stated, that exact velocity and exact position cannot be determined simultaneously. मेन टू से मैम कोई एक ही चीज हम बता सकते हैं दोनों एक साथ हाँ, प्रिंसिपल दोनों एक साथ हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, तो अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसको और समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा जनरलाइज से एग्जांपल था। वैसे मैं भी जो समझाऊंगी काफी जनरलाइज करके ही समझाऊंगी, अदरवाइज तो नहीं समझ में आएगा। वेव पैकेट की फॉर्म में समझाते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट ना होके ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होता है जिसे वेव पैकेट कहते हैं। तो जो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हम वेव पैकेट की फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स अ मूविंग पार्टिकल मे बी कंसिडर एज ए ग्रुप ऑफ वेव पैकेट एंड द पार्टिकल मे बी फाउंड एनी वेयर विद इन द वेव पैकेट। दिस इंडिकेट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज अनसर्टेन विद इन द लिमिट ऑफ वेव पैकेट। मोर ओवर द वेव पैकेट हैज वेलोसिटी स्प्रेड एंड हेंस इज अनसर्टेनिटी अबाउट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अभी हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, मैं दो वेव पैकेट बना रही हूँ। ठीक है, आज हम समझेंगे, अगर मौका लगेगा तो लिखेंगे, अदरवाइज पहले इसको समझेंगे कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैंने दो वेव पैकेट बनाए, एक ये वाला वेव पैकेट जो नैरो विड्थ का है, ठीक है, एक ये वाला जिसकी विड्थ ज्यादा है। हम कहते हैं कि पार्टिकल जब मूव करता है उसके साथ वेव पैकेट एसोसिएट होता है और बहुत सारी वेव्स एसोसिएट होती हैं जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं और जो उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है। जिस लोकेशन पे पार्टिकल लोकलाइज्ड करता है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अदर पोजिशन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये हमारा वेव पैकेट है, तो इतने पोजिशन पे हमारा पार्टिकल कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसे इस वाले वेव पैकेट में पार्टिकल इतनी लोकेशन में कहीं पे भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे वेव पैकेट कितना वाइड है या विड्थ इसकी है उसके अकॉर्डिंग हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अनसर्टेनिटी पोजिशन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विड्थ कम है, वेव पैकेट छोटा है, तो स्मॉल जगह है पार्टिकल के लिए, मूवमेंट करने के लिए, कह लीजिए पार्टिकल के लोकलाइज होने के लिए जगह कम है, तो कहीं पे मतलब हमारे पास सर्टेनिटी हो गई पोजीशन की। तो पोजीशन में सर्टेनिटी हो गई तो अनसर्टेनिटी को हम डेल एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल हो गई। ठीक है, सर्टेन पोजीशन हो गई तो मतलब अनसर्टेनिटी कम हो गई। अब इसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझिए कि कोई बॉल है, मैंने बॉल ली, एक छोटे बॉक्स में डाल दी, मैंने आपसे कहा बॉल को सर्च करिए, आप इजिली हैंड उसमें डालोगे, आपके हाथ में बॉल आ जाएगी। ठीक है, सर्टेनिटी इंक्रीज हो गई, इजिली बॉल मिल गई, अनसर्टेनिटी कम हो गई, स्मॉल हो गई। ठीक है, बॉल मैंने एक छोटे बॉक्स की जगह बड़े बॉक्स में रखा, तो आपको हाथ को जो ढूंढने में बॉल थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है,
सर्टेनिटी डिक्रीज हुई, अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई जब आपने पोजीशन या लोकेशन इंक्रीज कर दी। अब वो बॉल मैंने एक रूम में प्लेस कर दी, तो रूम में सर्च करने में आपको और टाइम लगेगा, है ना। तो अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे विड्थ या साइज बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड पे अगर मैंने बॉल डाल दी तो और डिफिकल्ट हो जाएगा सर्च करना, और टाइम लगेगा, तो अनसर्टेनिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे वेव पैकेट के फॉर्म में समझिए, यहाँ वेव पैकेट स्मॉल विड्थ का था, नैरो वेव पैकेट था, तो अनसर्टेनिटी स्मॉल थी। अब वेव पैकेट की विड्थ इंक्रीज हो गई, ब्रॉड वेव पैकेट हो गया, तो अनसर्टेनिटी लार्ज हो जाएगी। पोजीशन की अनसर्टेनिटी समझ में आई विद इन द वेव पैकेट, ये मैंने क्या कहा? मैम एक बार रिपीट करें। ठीक है, मैंने आपको इसको बॉल के एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया कि अगर बॉल है, आपने बॉल यूज की, एक बॉक्स में डाला, बॉक्स में आप इजीली फाइंड कर लेंगे, तो इजीली फाइंड कर लेंगे मतलब सर्टेनिटी इंक्रीज हो गई, सर्टेनिटी इंक्रीज हो गई मतलब अनसर्टेनिटी उसकी कम हो गई, ठीक है, पोजीशन की इजीली मिल गया, कहाँ पे प्लेस है वो बॉक्स के अंदर आपको इजीली मिल गया। बॉक्स की जगह हमने रूम में रखा तो आपको सर्च करने में थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई, साइज इंक्रीज हुआ जगह का। रूम की जगह मैंने ग्राउंड ले लिया तो और डिफिकल्ट हो गया उस पार्टिकल को या बॉल को सर्च करना, ठीक है। तो ऐसे ही हमने वेव पैकेट के टर्म्स में इसको समझाया है कि वेव पैकेट में क्या है, पार्टिकल कहीं भी लोकलाइज हो सकता है विद इन द वेव पैकेट, तभी उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके हमें जो है विड्थ मिल रही है, लैम्डा मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं अगर नैरो विड्थ का वेव पैकेट है तो अनसर्टेनिटी कम है, और अगर लार्ज विड्थ का वेव पैकेट है, ब्रॉड वेव पैकेट है, तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है, ठीक है। अब मोमेंटम की टर्म्स में समझते हैं, डेल पी, ये दोनों के केस में क्या होगा। तो उसको समझने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है एच अपॉन पी। अगर अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ बात करेंगे तो ये हो जाएगी डेल पी, और डेल पी इक्वल टू एच अपॉन डेल लैम्डा। वी नो के इक्वल टू वेव नंबर इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, अनसर्टेनिटी इन वेव नंबर इक्वल टू 2 पाई बाय डेल लैम्डा। तो यहाँ पे से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, डेल लैम्डा की वैल्यू 2 पाई अपॉन डेल के। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगी तो ये आएगा 2 पाई एच डेल के। तो ये इम्प्लाई कर रहा है डेल पी, एक तरीके से इसको तो मैं अभी फिलहाल कांस्टेंट की तरह मान लेती हूँ, डेल के में, कि अगर ये सर्टेन है तो ये सर्टेन होगा, ये अनसर्टेन है तो ये अनसर्टेन होगा। के क्या है? के हमारा वेव नंबर है, ठीक है। अगर वेव नंबर सर्टेनिटी है वेव नंबर में, वेव नंबर सर्टेनली फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मोमेंटम भी सर्टेनली हम बता सकते हैं। और अगर वेव नंबर में अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो गई तो मोमेंटम भी अनसर्टेन हो गया, मोमेंटम फिर हम नहीं बता पाएंगे, अनसर्टेन हो जाएगा। तो अब इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझिए, बॉक्स के अंदर मैंने वायर्स ले लिए, वो वायर्स को ऐसे रोल करके इकट्ठा बॉक्स में डाल दिया, तो आपको ये बताने में कि कितने वायर हैं मुश्किल होगी, है ना। जब वो एक साथ बंधे हुए होंगे तो आप नहीं बता सकते हो कि स्मॉल रीजन में वो कितने वायर हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्मॉल नैरो वेव पैकेट है, नैरो वेव पैकेट में अभी कितनी वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से रिजल्टेंट वेव मिली है हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वेव नंबर जो है हमारा अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये वेव नंबर की जो अनसर्टेनिटी है ये इंक्रीज हो यस मैम जाएगी, ठीक है। इसमें अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगी तो मतलब मोमेंटम अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो गई, तो यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज लार्ज। वहीं पे जब मैं वायर की बात कर रही हूँ, वायर को मैंने ऐसे बड़े बॉक्स में ऐसे फैला के आपके सामने रख दिए, तो आप काउंट करके इजीली बता सकते हो कितने नंबर ऑफ वायर्स हैं। तो ऐसे ही जब लार्ज ब्रॉड हमारा वेव पैकेट होता है तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, ये हम बता सकते हैं, तो यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेव नंबर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी,
अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाएगी. अनसर्टेनिटी इन वेव नंबर डिक्रीज हो रही है तो यानी कि मोमेंटम इन अनसर्टेनिटी कम हो रहा है तो ये स्मॉल हो जाएगा. बट अब इसको इन दोनों मोमेंटम और वो इसमें इसकी टर्म्स में ही अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम इन दोनों की टर्म्स में ही डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमेंटेनियसली या एट एनी इंस्टेंट एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. जो हम अब तक डेफिनेशन पढ़ के आ रहे थे वो यही पढ़ के आ रहे थे कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमेंटेनियसली टू कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स क्वांटिटी एक्यूरेटली और इन अदर वर्ड इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट और साइमेंटेनियसली कि एक ही टाइम पे हम पोजिशन और मोमेंटम पार्टिकल का एक साथ नहीं बता सकते. अगर हम पोजिशन बता पा रहे हैं तो हम उसका मोमेंटम नहीं बता पाएंगे और मोमेंटम बताएंगे तो पोजिशन एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने वेव पैकेट की टर्म्स में इसको समझाने की कोशिश की है. तो जितना अभी तक यहाँ तक समझाया है ये समझ में आया है तो फिर हम आगे करेंगे, नहीं तो इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ. यस मैम, समझ में आ गया सर। आ गया? तो चलिए, तो अब हम क्या करेंगे फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लेते हैं और वो लिख लेते हैं. ठीक है, तो समझा ये जो फिगर थी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए था. क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव पैकेट के टर्म्स में कैसे बात करते हैं क्योंकि अभी हम आगे जो हम कंसीडर करेंगे वेव पैकेट ही कंसीडर करेंगे, वेव फंक्शन कंसीडर करेंगे क्योंकि ये जो हमारी वेव है ये इसको किसी फंक्शन से डिनोट करेंगे. हर एक वेव का फंक्शन होता है तो इसके वेव फंक्शन भी होता है, उसको हम शाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ऐसे बनाते हैं शाई, तो वेव फंक्शन शाई से डिनोट करते हैं. अब ये शाई की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी अब जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे उससे पहले पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी पहले हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर लेते हैं. तो वेव पैकेट को हम शाई से रिप्रेजेंट करते हैं और वेव पैकेट के अंदर ही कहीं पे पार्टिकल लोकलाइज्ड होगा. अब वेव पैकेट क्या है, पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उनके सुपर पोजिशन से ये वेव पैकेट फॉर्म होता है. मैम हाँ बोलिए. ये साइज पे भी डिपेंड करेगा। साइज पे तो डिपेंड करेगा ही, उसी साइज की तो बात करें भाई. वेव पैकेट पैकेट किस साइज का है उसके अकॉर्डिंग सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगी, है ना. और वेव पैकेट का साइज पार्टिकल की वेलोसिटी और उन चीजों पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल के साइज पे और पार्टिकल पे. मैम मतलब जितना मैम नैरो होगा उतना अनसर्टेनिटी कम होगी। जितना नैरो होगा उतना पोजीशन में सर्टेनिटी होगी बट मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी. मतलब पोजीशन और मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ इनवर्सली है दोनों. क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डिस्कस एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल. ठीक है, मैं आपको इसकी तीन चार एप्लीकेशन कराऊंगी लेकिन एग्जाम में कोई भी टू एप्लीकेशन पूछता है या स्पेशली कोई एप्लीकेशन का नाम बोलेगा कि ये वाली एप्लीकेशन ड्राइव करो या ये वाली एप्लीकेशन प्रूफ करो, है ना, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की. तो अगर एप्लीकेशन का नाम बता रहा है कि यही प्रूफ करना है तो फिर आपको वही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. और एनी टू एप्लीकेशन लिखा है तो जो एप्लीकेशन आपको ईजी लगे फिर आप वो यहाँ पे कर सकते हो जिसकी कैलकुलेशन आपको ईजी लगे. ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं. पहले हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं करा रही हूँ क्योंकि एप्लीकेशन हम बाद में करेंगे. आज मैं हेजनबर्ग की डेफिनेशन और मोमेंटम और पोजीशन वाला एक्सप्रेशन ड्राइव कर दे रहे हैं. ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं. द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल The Heisenberg
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमेंटेशनली इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. और इसको अदर वर्ड में एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं इसकी. ठीक है, क्योंकि ये वाला तो हमारा पोजिशन और मोमेंटम के टर्म्स में ही आ गया, लेकिन इसके बाद लिख लेना यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई. अदर वर्ड्स में हम जनरलाइज डेफिनेशन लिख रहे हैं, खाली पोजिशन और मोमेंटम नहीं, इसमें और भी टर्म्स हो सकती हैं. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमेंटेनियसली साइमेंटेनियसली द टू कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज एक्यूरेटली. ठीक है, जैसे कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी तो हो गया, डेल्टा ई डेल्टा टी. ठीक है, या हम इस मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उसकी वेलोसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, या एंगुलर मोमेंटम वाला डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा. तो कोई सा भी फिर कैनोनिकल कॉन्जुगेट जो क्वांटिटीज हैं वो एक साथ हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं. तो चलिए पहले हम ऊपर वाला रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई. इसका जो डेरिवेशन है अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, जो भी इजी लगे वो आप कर सकते हो. ठीक है, तो मुझे जो थोड़ा सा सिंपल सा लगता है मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ उसको. नो दैट मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं करा रही हूँ वही करना है, कि यही कंपलसरी है. आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो. वी नो दैट मतलब मैं जो डेरिवेशन करा रही हूँ ऑलमोस्ट जो पीछे एक्सप्रेशंस यूज किए अभी समझाने के लिए उन्हीं एक्सप्रेशंस का यूज करके कर रही हूँ, है ना. वी नो दैट डी ब्रोगली ये प्रूफ है इसका. वी नो दैट द डी ब्रोगली वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ We know that de Broglie wavelength of a particle of momentum p is given by lambda equal to h upon p. वेयर एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट. नाउ इसके बाद लिखना है
the corresponding wave number is given by wave number kya hota hai k equal to 2 pi by lambda. यहाँ तक लिख लिया हो तो फिर मेरे को बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगी. हम लिख लिया, लिख लिया मैम, लिख लिया. चलिए k equal to 2 pi by lambda. तो k क्या होता है हमारा, इसको हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और वेव नंबर भी बोलते हैं. प्रोपोगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर, ठीक है. तो k इक्वल टू हमारा 2 पाई बाय लैम्डा. तो लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख सकते हैं, 1 से h अपॉन p, और p इक्वल टू h k अपॉन 2 पाई, ठीक है. ये तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए है. अनसर्टेनिटी को हम किससे है, डेल से डिनोट करते हैं. तो हैंस an uncertainty, hence the uncertainty delta k in the wave number of the de Broglie waves has uncertainty delta x in a wave number of de Broglie waves associated with the particles hence an uncertainty delta k in wave number of the de Broglie wave associated with particle and delta p is the uncertainty in momentum of particle, then equation becomes delta p equal to h delta k upon 2 pi, equation 2. Let delta x be the uncertainty in the position of a particle when particle is moving along x direction. By delta x कब होगा, जब x direction में move कर रहा होगा. जब y में move करेगा तो uncertainty in y direction होगी, तब position में y direction में, ठीक है, x direction. The relationship between distance delta x, the relationship between delta x and wave number, delta x and the wave number delta k depends
upon the shape of wave group. जो इन दोनों के बीच में अनसर्टेनिटी है ये वेव ग्रुप पे डिपेंड करती है और 1/2 से मिनिमम 1/2 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है अनसर्टेनिटी की. तो हम इसको मिनिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के की वैल्यू जो है 1/2 होती है, मिनिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं. ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारी गॉशियन टाइप का या बैल शेप का अगर वेव पैकेट है उसके लिए कैलकुलेट होके आती है. ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि मिनिमम वैल्यू उसकी 1/2 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड वेव नंबर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होती है. इसके लिए जब हमारा वेव पैकेट जो है बैल शेप का गॉशियन फंक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए मिनिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम 1 रख सकते हैं. तो यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के इक्वल टू 1 रख सकते हैं और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2. तो हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा पोजिशन और मोमेंटम वाला रिलेशन आ जाएगा. या कह लीजिए यहाँ से डेल्टा के की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से डेल्टा के कितना आएगा, डेल्टा के इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर टू 1/ डेल्टा एक्स. तो ये वैल्यू इक्वेशन 2 में रखिए तो आपका डेल्टा पी वाला रिलेशन आ जाएगा. चलिए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रही हूँ. Therefore, from equation 2 and 3, from 2 and 3, delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi. अगर 1 लेते तो h upon 2 pi आ जाता. ठीक है, यानी this equation state that the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum at any instant in the direction is greater than equal to h upon 4 pi. From this equation, state that the product of the uncertainty in position delta x and uncertainty in momentum delta px. px इसलिए ले रही हूँ, px direction में है, खाली p भी लिख सकते हैं. ठीक है, p at that instant at that instant in that direction is greater than equal to h upon 4 pi. ठीक है, और h upon 2 pi को हम h cross या h cut भी लिखते हैं. तो इसको हम delta x into delta p greater than equal to h upon 2 भी लिखा. कुछ बुक में आपको ये मिलेगा delta x into delta p greater than equal to h upon 4 pi, कुछ में मिलेगा 2 pi, कुछ में मिलेगा h. वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि जो हमारा वेव पैकेट है वो किस फॉर्म का है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज हो जाती है. तो आप किसी से भी जो हम एप्लीकेशंस करेंगे किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, h अपॉन 2 पाई से भी कर सकते हैं, h अपॉन 4 पाई से भी कर सकते हैं और खाली h से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और किसका ले रहे हैं हम, एनर्जी टाइम का.
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक मैं करा रही हूँ, एक आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो इसे प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले से करा रही हूँ। वी नो फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला ई इक्वल टू एच न्यू और न्यू इक्वल टू ई बाय एच। द अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा न्यू होगा, तो डेल्टा न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। इक्वेशन वन सीन्स कैन बी रिटर्न एज न्यू इक्वल टू वन बाय टी, और अनसर्टेनिटी की बात करें तो डेल्टा न्यू इक्वल टू वन अपॉन डेल्टा टी। तो दोनों अनसर्टेनिटी हैं फ्रिक्वेंसी में, इक्वेशन वन भी और टू भी, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ठीक है, तो वन एंड टू को ले लेंगे। डेल्टा ई अपॉन एच इक्वल टू वन अपॉन डेल्टा टी, और यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। नेक्स्ट लाइन में फिर लिखेंगे अ मोर प्रिसाइज a more precise calculation based on the nature of wave group or wave packet gives the more accurate expression, ठीक है। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। ये हमने किया है प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले से, आप इसको काइनेटिक एनर्जी से भी कर सकते हो। ई इक्वल टू डेल्टा सॉरी ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम से, वहां पे अनसर्टेनिटी ले लीजिएगा, डेल ले लीजिएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे। वहां से भी आप डेल्टा ई और डेल्टा पी में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे। जब आपका हो जाए तो बता दीजिएगा, चेंज कर दूंगी स्लाइड। मैं एक बार कर्सर मूव करो, देखिए इक्वल टू एच मैम लास्ट में क्या लिखा है।
अभी एक बार सुन लीजिए, शुरू से बता रही हूँ. इक्वल टू एच न्यू होता है तो न्यू इक्वल टू ई बाय एच होगा. अनसर्टेनिटी मीन्स चेंज, तो डेल ले लिया, डेल न्यू इक्वल टू डेल ई ओवर डेल एच. ठीक है, इक्वेशन बना गया. फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी और टाइम में रिलेशन. फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वन अपॉन टी, तो यहाँ से डेल न्यू ले लिया, डेल न्यू इक्वल टू वन अपॉन डेल टी. इक्वेशन टू, दोनों को इक्वेट कर दिया. इक्वेशन वन भी डेल न्यू है, इक्वेशन टू भी डेल न्यू है, दोनों को इक्वेट करा तो डेल ई इंटू डेल टी इक्वल टू एच. ये हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया है. अगर हम इसमें वेव पैकेट भी कंसीडर कर लें, उसका नेचर कंसीडर कर लें, उसकी शेप कंसीडर कर लें, तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा. तो आंसर आएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. और इसको आप, मैंने आपको बताया भी, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स पे भी कर सकते हो. तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अ मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वेव पैकेट एंड गिव्स द मोर एक्यूरेट एक्सप्रेशन, दैट इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो मैंने आपको बताया भी है, कुछ बुक्स में जो ये एक्सप्रेशन है, चाहे डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाला ले लें, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई मिलेगा, कहीं पे आपको एच अपॉन 2 पाई मिलेगा, हाँ 2 पाई होगा, या कहीं पे खाली एच भी होगा. ठीक है, तो क्योंकि वेव पैकेट पे डिपेंड करता है जो हमारा ये रिलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन चेंज हो जाता है. तो सारे रिजल्ट ही ठीक है. ठीक है, अगर हम डेल एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई ले रहे हैं, वो भी ठीक है, एच अपॉन 2 पाई भी ठीक है. तो लेकिन जिसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन लेके चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे फिर आंसर मिल जाएंगे जो हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे. तो जो एक्सप्रेशन हम लेके चलेंगे या न्यूमेरिकल जो करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन आप लेके चलोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेंगे. तो मैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लेके चलती हूँ. ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन इस पे बेस्ड है. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो एक्सप्रेशन में भी अनसर्टेनिटी है, वो डिपेंडिंग ऑन वेव पैकेट की शेप पे डिपेंड करता है, इसलिए इसके एक्सप्रेशन भी सबके लिए अलग अलग आते हैं. ये नोट कर लिया, तो नेक्स्ट स्लाइड कर लो. लास्ट में एच अपॉन क्या है, एच अपॉन 4 पाई. ठीक है, तो अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ Heisenberg uncertainty principle in terms of angular momentum and angular displacement. तो क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया रिवॉल्व जो कर रहा है. ठीक है, ऑर्बिट में, तो आर रेडियस का ऑर्बिट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग in an atomic orbit of radius r, let theta be the angular displacement angular displacement corresponding to linear displacement
एक्स देन आपको पता ही है थीटा और आर में क्या रिलेशन होता है, आर इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस या थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, है ना। तो आर्क एक्स अपॉन रेडियस आर इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स डेल्टा थीटा बल्कि डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन आर और डेल्टा एक्स इक्वल टू आर डेल्टा थीटा इक्वेशन वन। जैसे हमने डेल्टा एक्स निकाला ऐसे ही डेल्टा पी निकाल लेंगे, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू रख देंगे तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर ले तो बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड कर लूंगी। हो गया। नो मैम, वन मिनट मैम, वन मिनट। हो गया मैम। चलिए तो इक्वेशन वन आ गई। इक्वेशन टू के लिए क्या लिखते हैं, इफ एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन then angular momentum को कुछ बुक में J से नोटेट करते हैं, कुछ में L से नोटेट करते हैं। जौन सी नोटेशन लेनी हो तो ले लीजिएगा, मैं J ले रही हूँ। J equal to mv r, ठीक है। mv linear momentum है तो हम लिख सकते हैं pr, J equal to या L equal to pr। तो अनसर्टेनिटी की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी डेल्टा जे इक्वल टू डेल्टा पी आर इक्वेशन टू। सो नाउ बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, बल्कि इक्वेशन टू मत लिखिए इसको, इक्वेशन रुकिए। यहां से P कैलकुलेट कर लीजिए कि P की वैल्यू रखनी है, तो डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा J अपॉन R इक्वेशन टू। अब ये वैल्यू क्या करिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में रख दीजिए, डेल्टा X इंटू डेल्टा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू H अपॉन फोर पाई। तो डेल्टा X की जगह हमारा क्या था, R डेल थीटा, डेल्टा पी की जगह क्या है, डेल्टा जे अपॉन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा जे डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।